तो इंडियन मैक्स ड्राइविंग 3D के अंदर ऐड होने जा रही है मर्सिडीज जी वैगन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मर्सिडीज जी वैगन के पार्ट्स को असेंबल करने वाले हैं और इस कार को बनाने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंडियन मैक्स ड्राइविंग 3D की न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस मर्सिडीज कार के पार्ट्स को ढूंढने वाले हैं और उन पार्ट्स को ढूंढकर उस कार में ऐड करने वाले हैं, उसके बाद उस कार को ड्राइव भी करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाले, तो वीडियो को अभी से लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो सबसे पहला जो अपना पार्ट होने वाला है वो होने वाला है अपना कार का हैंडल, और एक कार का हैंडल किसी बिल्डिंग के ऊपर होने वाला है, तो इसको हम लोग को सबसे पहले असेंबल करना है, इसे ढूंढना है, उसके बाद हमने उस कार में लगाना है। लेकिन उस कार हैंडल को ढूंढने से पहले हम लोग को ये मेगा रैंप को पार करना पड़ेगा, तभी हम वो कार हैंडल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो कार हैंडल जिस बिल्डिंग के ऊपर है उस बिल्डिंग तक ये मेगा रैम जाती है, इसलिए हमें उस मेगा रैम को पार करना ही पड़ेगा। तो मेगा रैम काफी सिंपल मेरे को दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी सिंपल होने वाली है, क्योंकि हम लोग मर्सिडीज जी वैगन को ड्राइव करने वाले हैं और उसका कार हैंडल इस बिल्डिंग के ऊपर मिलेगा, इस मेगा रैम को पार करने के बाद जो बिल्डिंग हमारे सामने आएगी उसके ऊपर हम लोग को मिलने वाला है। तो देखते हैं कि ये मेगा रैम आखिर होने कैसी वाली है। तो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है और ये पंखे से है ना वो घूमे जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनसे बचकर मैं काफी आगे आ चुका हूं। तो अब मेरे सामने ये कुछ ब्रेकर टाइप के हैं, लेकिन क्या पता इससे मेरी बाइक अटक सकती है। लेकिन यार, हाँ यार, मैंने जो सोचा था वही हो गया, मेरी बाइक यहाँ पर अटक चुकी है और मैं साइड से जाने की मैंने कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ से भी नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि ना अपनी बाइक को यहाँ छोड़कर पैदल ही इस रास्ते को पार कर लिया जाए, क्योंकि इस मेगा रैम पे ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग को बाइक से या कार से ही पार करना है, हम लोग पैदल भी इसको पार कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेकर खत्म होते ही मैं फिर से अपनी बाइक को वापस ले आया हूँ, उसके बाद हम बाइक से ही आगे का सफर तय करेंगे। तो अभी ये क्या है भाई, ये कंटेनर टाइप के छोटे छोटे, खैर उनको भी हम लोग पार कर चुके हैं। और अब आ गया ब्लू कलर का कंटेनर और ये घूमता है भाई, एकदम रोटेट हो रहा है, लेकिन हम लोग सही सलामत इसके ऊपर चढ़ गए हैं और इसके ऊपर से नीचे भी आ चुके हैं। और अब मैं काफी आगे आ चुका हूँ यार, मेरे सामने अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कितना बड़ा के लिखा हुआ है भाई सच में। और यहाँ से मेरे को एक जंप लगानी है और सिंपल सी जंप लग चुकी है और मैं इस टाइप भी आ गया हूँ और मैं काफी आगे आ चुका हूँ। और ये भी यार रोटेट हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा वरना मैं यहाँ से नीचे गिर सकता हूँ। और यहाँ से भी मैं पार हो चुका हूँ आराम से। और अब चलते थोड़ा सा और आगे, और आगे मेरे को सीढ़ियाँ टाइप दिखाई दे रही है। हाँ, ये सीढ़ियाँ ही हैं। ओ भाई साहब, मैं नीचे गिरते गिरते बचता, खैर कोई बात नहीं, अभी हम लोग बच चुके हैं और चलते सीधा आगे। और आगे देखते हैं, आगे मेगा रैम दिख रही है मेरे को और शायद मेरे को यहाँ से लगानी है छलांग। और भाई मैं नीचे तो नहीं, शिट भाई साहब नीचे, कोई बात नहीं। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं और इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ, मैं जल्द से जल्द इस मेगा रैम को पार करना चाहता हूँ, उसके बाद उस कार के हैंड व्हील को यूज़ करके मैं उस मर्सिडीज जी वैगन को चलाना चाहता हूँ। लेकिन यार, मेगा रैम को पार करना ज़रूरी है और धीरे धीरे ही मेरे को पार करना पड़ेगा, वरना ये पार नहीं होगा मेरे से। कोई बात नहीं, तो मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ। तो ब्लू कंटेनर के अभी तो मैं ऊपर हूँ और इसके नीचे होने का वेट कर रहा हूँ। तो फाइनली ये नीचे हो चुका है, लेकिन ब्लू कंटेनर के साथ साथ मैं भी नीचे चला गया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ चुका हूँ और अभी मेरे को बहुत संभाल के यार स्टेप्स लेने पड़ेंगे यार, क्योंकि ये मेगा रैम मैंने सोचा तो काफ़ी सिंपल थी, जैसा सोचा था उससे तो कई ज़्यादा हार्ड है यार। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे तो सब चीज़ पूरी हो ही जाएगी। तो मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ और ये फाइनल मेगा रैम की जंप है, जिसको मैं बस मेरे को सही सलामत पार करना है। और ये हाँ, तो हम लोग इस मेगा रैम को पार कर चुके हैं, तो अब वक्त है अपने जेट पैक से उस बिल्डिंग के ऊपर जाने का, जिस बिल्डिंग के ऊपर वो हैंड व्हील होने वाला है। तो चलते अपने जेट पैक से उस बिल्डिंग के ऊपर। तो उस बिल्डिंग के सामने मैं आ चुका हूं और अभी ऊपर का एरिया मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, तो हाँ बस इसके ऊपर लैंड करते ही हमारे सामने वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैंड व्हील हमारे सामने आ चुका है और इसको मैं यहां से पिक कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग सीधा इसको लगाएंगे वहां पे। अब देख लेते हैं कि दूसरा जो पार्ट्स होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो दूसरे पार्ट्स के लिए हम लोग कहां जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर ये चार टायर रखे हुए हैं, इसका मतलब ये चार कार के टायर हैं जिनको हम लोग को उस कार के अंदर असेंबल करना है, उसके बाद हमारी कार चलने लगेगी। तो उसको पार करने के लिए हम लोग को ये वाली मेगा रैम को पार करना पड़ेगा, जो भी है ये जंप है या कुछ भी है, इसको जो भी आप कह सकते हैं, इसको हम लोग को पार करना पड़ेगा। और इसको पार करेंगे हम लोग थार से। तो थार के अंदर मैं बैठ चुका हूँ, हाँ मैं बैठ ही गया। तो अब वक्त है इसके अंदर जाने का और देखते क्या ये पहली बार में ही पार हो पाएगा। अगर पहली बार में दोस्तों पार हो गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नहीं हो पाया तो लाइक तो यार तब भी कर देना प्लीज़। तो
तो अब मैं काफी आगे आ चुका हूँ और मेरी जो थार है वो रफ्तार पकड़ती जा रही है और मेरी थार काफी तेज हो चुकी है। ये पंखा ना अटक जाए यार, मेरे पंखे से हाँ बच चुके हैं और लेकिन यार मेरी थार की जो स्पीड है ना वो डबल हो चुकी है और भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं इस पंखे से भिड़ूंगा पक्का। बच गया, पंखे से तो नहीं भिड़ा लेकिन यार मेगा रैम से भिड़ा और मैं नीचे गिर गया। खैर कोई बात नहीं यार, इस बार हम लोग इस कार से पार नहीं करेंगे, इस बार हम लोग मंगाएंगे ZX10R बाइक और हम लोग बाइक से इसको पार करेंगे मेगा रैम को, क्योंकि मेगा रैम बाइक से सिंपल लग रही है मेरे को। चलो तो बाइक से हम लोग आ चुके हैं नीचे और बाइक तो यार स्टार्टिंग में ही काफ़ी तेज होगी भाई। यार पंखे से ना टकरा जाए बस, बाकी सब तो ठीक है। और ये भाई बाल बाल बचा, तो हम लोग निकल चुके हैं और दूसरा पंखा यार मेरे सामने आ चुका है लेकिन यार मेरी बाइक की स्पीड काफ़ी तेज है और मैं भाई पंखे से टकराया और बहुत ही गंदा लगा सच में। खैर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से आ चुके हैं और ये इस बार हम लोग ने पंखा बॉल बॉल पार किया है। तो अभी हमारे सामने एक और पंखा आ गया यार, इससे नहीं प्लीज। शिट भाई साहब कितना बुरा। ओहो बस इस बार हम लोग ने सारे पंखे पार कर लिए और हम लोग फाइनली इसके नीचे आ चुके हैं। तो हम लोग ने ये वाली मेगा रैम भी पार कर ली है, तो अब हमें चलना उस चार टायर की वाली बिल्डिंग के ऊपर। और फाइनली हम लोग इस चार टायर वाली बिल्डिंग के पास आ चुके हैं और इसके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग ने इन चार टायर को असेंबल कर लिया है। तो अब चलते सीधा कार के पास और कार के अंदर हम लोग ने सारे पार्ट लगा दिए हैं और कार अपनी इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई है। यार इस बिल्डिंग से हम लोग को नीचे कैसे उतारना है वो तो दोस्तों अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ने इस कार के पार्ट्स को लगाना था जो हमने सारे के सारे पार्ट्स को लगा दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए तो इस वीडियो पे 100 लाइक करवा देना तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आ जाएगा और उस पार्ट 2 में हम लोग मर्सिडीज जी वैगन को चला के भी दिखाएंगे दोस्तों, और मैं आपको उस मर्सिडीज जी वैगन का चीट कोड भी बता दूंगा। तब तक मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय बाय।